साथियों आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है मेडिकल स्लिप। बाबू ने पूरे 10 बिम मारे और दोस्तों ये है दोस्तों रैली भर्ती क्लियर करी। और ये है दोस्तों मऊ ए आर ओ, देख लीजिए आप। और ये है मेडिकल स्लिप और दोस्तों ये 10 बिम रैली भर्ती क्लियर और ये दोस्तों मऊ ए आर ओ। और दोस्तों ये है दोस्तों मेडिकल स्लिप, 10 बिम और भर्ती क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों ये है मेडिकल स्लिप, मऊ ए आर ओ, 10 बिम और रैली भर्ती क्लियर। ये तीनों भाई आपके यहाँ के रहने वाले, शाजापुर के रहने वाले और आप धार के रहने वाले हैं। और आज चारों भाइयों से दोस्तों पूरा परिचय करवाएंगे किस तरह रैली भर्ती मारी, जब एकेडमी यहाँ पर आए थे तो फर्स्ट टाइमिंग क्या था, कितने साल मेहनत करी, किस तरह 1600 मीटर वहां पर दौड़े, क्या क्या दुविधाएं, क्या क्या परेशानियां आती और क्या क्या सावधानी आपको बरतना है। जी बेटा जी, जब पहली बार आप इंदौर फिजिकल एकेडमी आए थे जी, तो कितना टाइम आया था? यहाँ पर जैसे मैं आया था पहली बार तो गुरु जी मेरा पर यहाँ पर 6.5 मिनट था, 6.5 मिनट था। और जब आपकी रैली भर्ती थी आज जी, इसके पहले जब ट्रायल था तो लास्ट टाइमिंग क्या था? मेरा यहाँ पर 4:50 था, 4:50 सेकंड जी। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है जी बेटा। पहली बार जब आए थे यहाँ पर तो कितना टाइमिंग था? 6.5 मिनट। कितने साल मेहनत करी आपने? 3 महीने मेहनत करी, केवल 3 महीने मेहनत करी। टाइमिंग कितना आया था? मेरा 4:58 आया, 4:58 लास्ट टाइमिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। पहली बार जब आए थे तो कितना टाइम आया था? गुरुजी मेरा पहले टाइम में पहले का टाइम 6:10 था जी। कितने साल मेहनत करी आपने? 2 महीने मेहनत, केवल 2 महीने मेहनत करी। अरे वाह। और मेरा लास्ट अभी 3 तारीख को जो ट्रायल था उसमें आया था 5 मिनट, 5 मिनट टाइमिंग था जी। बेटा जी, कितने साल मेहनत करी जी? 1 साल मेहनत, 1 साल मेहनत करी आपने यहाँ पर, तो इतना लंबी मेहनत करी आपने जी। गुरु जी, जब फर्स्ट भर्ती थी मेरी धार वो बाहर हो गया था, जब फिर उसके बाद आपका वीडियो देखा गुरु जी, उसके बाद मैं यहाँ इंदौर एकेडमी आया। तो भर्ती फेल होने के बाद यहाँ पर आए थे वीडियो देखकर, और आज इसी तरह जिस तरह वीडियो बन रहा दोस्त उसी तरह वीडियो देखकर आए थे। बहुत बहुत शुभकामना, दिल जीत लिया कि सपना साकार हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या टाइमिंग था पहली बार? जी गुरु जी, पहली बार जब यहाँ पे आया था तो 5:50 था गुरु जी, और जब अभी भर्ती मार के यहाँ ट्रायल लेके गया था 4:50 टाइम, 4:50 सेकंड। साथियों आपने जाना चारों भाइयों से, बड़ी खुशी की बात है, एक सपना लेकर यहाँ पर आए थे और आज सपना साकार हुआ जी। बेटा जी, क्या बोलना चाहेंगे इंदौर फिजिकल एकेडमी के बारे में? सबसे पहले मैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने गुरु जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने जो सपना देखा था पहले 4 साल पहले वो आज साकार हुआ है, और अभी परिस्थिति बाकी है जो कि अभी पूरी हो जाएगी गुरु जी के आशीर्वाद से। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फौजी भाई, यूट्यूब फैमिली को क्या बोलना चाहेंगे आने वाले को, क्योंकि एक आप भी इस वीडियो को देखकर ही आए थे जी गुरु जी, है ना, तो इनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आप भी भारतीय सेना का हिस्सा बने और आप भी भारत देश की सेवा करना चाहते हो तो चले आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी, और यहाँ पर 4:40 के साथ दौड़िए और अपने सपने को साकार करिए। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिताजी क्या करते हैं? मजदूर है गुरु जी। बेटा अब बापू का नाम रोशन करेंगे, है ना, और अच्छे से मेहनत करो, और बापू का जो काम है मजदूरी वो छुड़वाना है हमको, है ना, और पालन जुड़ाएंगे और हम फौजी बनेंगे, देश की रक्षा करेंगे। सो प्राउड ऑफ यू जी। बेटा जी, क्या बोलना चाहेंगे एकेडमी के बारे में? दुनिया की बेस्ट एकेडमी इंदौर फिजिकल एकेडमी है, और मैं सर जी का वीडियो देख के यहाँ पे आया था, आज सर जी के आशीर्वाद से मैंने भर्ती क्लियर करी है। आप भी अगर भर्ती क्लियर करना चाहते हैं तो इंदौर फिजिकल एकेडमी आए और अपने सपनों को साकार करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबू जी। बेटा क्या बोलना चाहेंगे, दिल से क्या आवाज आ रही है? गुरु जी, दिल से ये आवाज आ रही है कि जब मैंने पेपर क्लियर किया और मुझे लगा, मुझे मैंने पहले दौड़ता था मैं रोड पे ही रोड रनिंग करता था, और तब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं भी भर्ती मार दूंगा, पर 2 महीने पहले मैं गुरु जी के यहाँ आया, मैं टाइमिंग 6:10 थी, और अब मैंने ये अपना फिजिकल क्लियर किया है और गुरु जी का आशीर्वाद से अभी मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। चलो फौजी भाई, आपने 1 साल मेहनत करी है, पहली बार भर्ती फेल हो गए, अब क्या बोलना चाहेंगे आप? सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई भर्ती में फेल हो जाता है वो नर्वस ना हो, वो आए इंदौर फिजिकल एकेडमी और यहाँ 4:40 के धावकों के साथ दौड़िए और भर्ती में सुपर एक्सीलेंट मारिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं चारों भाई से, आप जाने हैं और चारों भाई की रैली भर्ती क्लियर हो गई, आप क्या बोलना चाहेंगे किस तरह वहां पर दौड़े? जैसे आप यहाँ से जाते हो भर्ती देने तो आप बिल्कुल भी नर्वस ना होए, क्योंकि वहाँ सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, कोई ज्यादा भी दौड़ता है कोई कम भी दौड़ता है जी। उनको देखकर आप नर्वस ना होए,
आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और बढ़िया आप वहाँ पर मेहनत अपना 100% दे और बढ़िया रिजल्ट दे अपना वहाँ पर। चलो बहुत अच्छी शुभकामनाएं, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और 1600 मीटर के चार चक्कर कैसे लगाए? जैसे आप वहाँ पर बैठते हो पहले राउंड के लिए जी, तो जैसे ही वो गो बोलते हैं तो आपको बढ़िया ग्रुप पकड़ के चलना है 300 मीटर जी, और उसी के साथ आपको ग्रुप छोड़ना नहीं है, बंदों के साथ चलना है। वहाँ पर बोलते हैं कि ग्रुप पकड़ के ना चलिए, तो ग्रुप पकड़ के ना चलिए, क्योंकि अगर ग्रुप पकड़ के चलोगे तो फिर एक्सीडेंट में समस्या आएगी। मैंने जब भर्ती दी थी अभी तो ग्रुप पकड़ के दिया था, तो वहाँ पर 4 ही एक्सीडेंट लिए थे और सभी गुड में गए थे। तो ग्रुप पकड़ के ना चलिए और बढ़िया मेहनत करिए और मार दिए भर्ती। साथियों मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जिस तरह आप लोगों ने स्टार्ट करा उसी तरह आपको दुगनी ताकत से आपको प्रेसिंग लेना है, कभी एक्सीडेंट मारना। तो बच्चे क्या करते, क्या हो जाएगा। और जैसे आप आगे बढ़ते धीरे धीरे धीरे, जब तक रास्ता आपका अप हो जाता है तो एक्सीडेंट मारने से वंचित हो जाते हैं। तो ये बोलना चाहूंगा कि शुरुआत में आपको अपनी बॉडी का 80-90% देना है और लास्ट में अपनी बॉडी का आपको 100% देना और सुपर एक्सीलेंट मारना। बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और कहां से बिलोंग करते हैं इस वीडियो के माध्यम जरूर बताना। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें। आइए दोस्तों आप भी इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपने को साकार करें। ये नंबर दिए दोस्तों, इस नंबर को कॉलिंग करें और अपने मां बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।